हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। हवाई सर्वे के चलते सीएम जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल नहीं हो सके। हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर निशाना साधा। विज ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री महाबुद्धिमान नेता फरार हैं और कांग्रेस में हाहाकार है। चिदम्बरम दूसरों को उपदेश देते हैं, कानून का सम्मान करो, लेकिन कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद वो फरार हो गए। सीएम मनोहर लाल ने कैथल को करोड़ों रुपयों की सौगात दी। मनोहर लाल ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कैथल में 31 करोड़ रुपयों से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। फतेहाबाद उपायुक्त ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ईवीएम वेयरहाउस का दौरा किया। इस दौरान ईवीएम मशीनों को अधिकारियों ने भी चेक किया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद वहां के हालात पर काबू पाने के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। अब जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद हाई प्रोफाइल कैदियों को हरियाणा की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। इनमें यमुनानगर, झज्जर, करनाल और फरीदाबाद की जेल शामिल हैं। कुरुक्षेत्र में गैर मर्दों से संबंध बनाने से मना करने पर पति ने कई दिनों तक पत्नी को भूखा रखकर टॉर्चर किया। बाद में 3 तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। आरोपी विदेश भागने की फिराक में है। वहीं पुलिस आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ओहाना में नगर परिषद की ओर से पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए शहर में जुर्माना अभियान चलाया गया। अभियान में पॉलिथीन रखने वाले दुकानदारों से 40,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। गुरुग्राम के शिवाजी नगर में लग्जरी कार में आए चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली में संत रविदास का मंदिर तोड़े जाने से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जींद में रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और यमुना नदी में छोड़े गए पानी से कुरुक्षेत्र में बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ का पानी लोगों के लिए चिंता का सबब बन चुका है। खेतों में पानी भरने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है।